हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का भाग 5 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सभी आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम का भाग 5 में प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या फर्स्ट बोल रहा है 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्गों का योग का गणना कीजिए। बोल रहा है 1 से 9 तक वर्गों का संख्या जो होता है उसका योग जो हो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग, योग पूछ रहा था। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6। इस फार्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एन जो है 9 तक पूछ रहा है, 9 तक संख्याओं का वर्गों का योग आपको बताना है, तो इस फार्मूला पर हम लोग रखेंगे। तो एन का मान हो जाएगा 9, एन का मान 9 प्लस 1 फिर इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 बटा 6। नाइन प्लस 1 एक हो जाएगा 10, प्लस 9 दूना 18, 18 एक 19 बटा 6। 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 3 तीय के 9, 2 पचे 10, 19 पचे होता है 95, 95 तीय 285। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 285। देखिए कहाँ पे है 285, ऑप्शन नंबर बी। तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एन संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है। तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1 बटा 6। इस फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तो 285 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अगर एक समझ में नहीं आया होगा तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग का गणना कीजिए। 1 से 10 तक वर्गों का योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। प्रथम एन संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1 बटा 6 होता है। तो इस फार्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एन का मान हो जाएगा 10, एन का मान 10 प्लस 1 फिर 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6। 10 आएगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा इंटू 10 दूना 20, 20 और 1 21 बटा 6। इसको काटिए, 2 तीय 6, 2 पचे 10, 7 से कट जाएगा 7, 11 सत 77, 77 पचे 385। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 385। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी 385। तो 1 से 10 तक वर्गों का योग निकालिएगा तो 385 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मैं कुछ और फार्मूला बता देता हूँ। पूछ देता है क्यू वाला, पूछ देता है 1Q, 2Q, 3Q, 4Q डैश डैश। तो इसका जो फार्मूला एन तक, तो इसका जो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 6 का पावर स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला होता है। अगर ऐसा रहेगा इस टाइप का तो फार्मूला ए वाला लगाएंगे, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, 3 टाइप के पूछता है ए प्रश्न। तो एक और होता है 1+2+3+4+... एन तक। तो इसका फार्मूला जो होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यही 3 प्रश्न हमेशा पूछता है, और एक ए है, एक ए है, एक ए है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या थ्री देखेंगे। प्रश्न संख्या थ्री में क्या बोल रहा है, कुछ संख्या दिया गया है उसका इकाई स्थान पर अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जो पावर होता है उसको पहले सबसे पहले चार से भागा देंगे, तो चार से भागा देंगे तो जब कट जाता है तो एक ट्रिक याद रखिएगा, इससे तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो चार का विभाजिता का नियम कहता है कि जिसका लास्ट में दो अंक चार से अगर कटता है तो वो चार से पुनः कट जाएगा। तो देखिए पावर में 32 है, तो पावर में 32 चार से कट जाता है, तो इसका मतलब ये चार से सभी कटने वाला है। तो देखिए सम संख्या रहेगा, संख्या रहेगा तो 6 होगा, और विषम होगा तो विषम संख्या होगा तो 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे चार से तो कट जाता है सभी पावर, तो यहाँ पे देखिए विषम है तो विषम की जगह पर क्या बोले थे 1 होगा, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सम है तो सम का क्या बताए थे तो 6 होगा, 6। अब 5 के पावर कुछ भी हो, कटे या ना कटे हमको उससे लेना देना नहीं है, तो 5 का 5 ही होता है, चाहे जितना भी कर लीजिए कितनों पावर चढ़ा लीजिए 5 का 5 ही होता है, बस इसको अब गुना करना है। 6 5 30, 30 में गुना करेंगे 1 से तो 30, 30 का इकाई अंक क्या है तो 0, तो 0 ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद आपको रखना कि सम संख्या की जगह पर 6 आएगा और विषम संख्या की जगह पर 1 आएगा, बस आपको इतना याद करना है, बहुत जल्दी फास्ट बनेगा। ऐसे आप बहुत कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इससे ज़्यादा जल्दी आसान से बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, 16 के पावर 7 गुने 27 के पावर 6 गुने 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा, इसको बनाने का देखिए मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा। सिर्फ कुल अभाज्य गुणनखंड देखिए 16 के पावर कितना है 7 है गुने 27 के पावर 6 है गुने 5 के पावर 9 है, तो 16 को हम 2 के पावर 4 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर 4 ही 16 होता है और पावर 7 इसका, तो पावर 7 कर देंगे। फिर गुना 27 को अगर हम 3 के पावर 3 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि 3 के पावर 3 होता है 27 और 27 के पावर कितना है 6, गुने 5 को हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपको सिर्फ क्या करना है कि 2 के पावर 7 को 28 हो जाएगा, पावर 28 हो जाएगा 2 के पावर गुने 6 6 18 हो जाएगा, 3 के पावर 18 हो जाएगा गुने 5 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जितना पावर होता है वो सभी जुट जाता है, तो 28 प्लस 18 प्लस 9 अगर इसको जोड़िएगा तो 8 दूना 16, 16 और 9 25 और 2 एक 3 और 2 25 5 मतलब 55, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पावर को जोड़ देंगे तो जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वही वो आएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार कुल अभाज्य संख्या। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 10 16 शेष बचता हो तो संख्या बताइए, वो संख्या क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे बनाइएगा, तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए संख्या कितना दिया गया है, संख्या दिया गया है 8 12 18 और विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना बचता है, शेष दिया हुआ है 6 10 16। तो देखिए अंतर पहले सबसे देखते हैं, तो अंतर देखिए 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 अंतर है, तो जो अंतर है समान है। ऐसे प्रश्न में हमेशा जो अंतर आता है समान ही आता है, अंतर ये नहीं कि अलग अलग आता, हमेशा अंतर जो होता है समान ही आता है। तो
इसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 8, 12, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आया 72, तो 72 में अगर 2 घटा देंगे, ठीक है, तो जो संख्या निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाइएगा 72 में 2 तो 70 आएगा, यही जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 में बोल रहा है कुछ संख्या दिया गया है, उसमें 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग का गणना पूछ रहा है, दोनों का क्या आंसर आएगा वो पूछ रहा है। तो संख्या क्या दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 37, 28, 45, 6 दिया है, तो बोल रहा है 7 का अंकित मान निकालिए, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 देंगे, और कितना है 7 के बगल में कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 7 पर 5 जीरो डाल देंगे, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अब पूछ रहा है स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, अंकित मान भी पूछ रहा है कि स्थानीय मान आया है उसका अंकित मान का दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग क्या होगा, तो 7 का अंकित मान होता है, 7 का अंकित मान पूछ रहा है, तो 7 का अंकित मान खुद 7 होता है, जिसका पूछता है अंकित मान वही हो जाता है, तो स्थानीय मान कितना है, 7 पर 5 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, और दोनों का योग पूछ रहा है, तो इसको 7 को जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, 1, 7, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए सही है। तो इस प्रश्न को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछला प्रश्न में हम लोग 7 का स्थानीय मान निकाले थे, इसमें 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, कुछ अंक दिया, 9 का स्थानीय मान, अंकित मान का अंतर पूछ, में उसमें योग पूछ रहा था, इसमें अंतर पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, कितना संख्या दिया गया है, 22, 93, 01, इसमें 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 9 के देखिए पीछे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, अंकित मान इसका पूछ रहा है, तो अंकित मान खुद होता है 9, तो 9 का अंकित मान खुद 9 हो जाता, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 9, 9, 0, 0 और -9, इसको घटाइएगा, तो घटाने के बाद आ जाएगा 8, 9, 9, 1, घटाने के बाद आ जाएगा 8, 9, 9, 1, ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है, इसको घटा के देख लीजिएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और 9, 9, 9, 8, सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।